Hey guys, मैं हूं लॉजिकल आर्टिस्ट बीना। एक चीज जिससे हम सभी आर्टिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं वो है प्राइस। आर्ट मटेरियल बहुत महंगे आते हैं और सस्ते वाले बहुत अच्छे होते नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज जो सबसे ज्यादा महंगी आती है आर्ट मटेरियल में वो होता है स्ट्रेच कैनवस। स्ट्रेच कैनवस एक बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि स्ट्रेच कैनवस पे पेंट करके आप डायरेक्टली उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेच कैनवस अगर आप अमेजोन पे देखें तो वो बहुत महंगे हैं। 1 फीट बाय 1 फीट का स्ट्रेच कैनवस अराउंड 300 रुपीज़ का आता है। जैसे जैसे आप बड़े बड़े साइज़ के स्ट्रेच कैनवस खरीदेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। 800, 900, 1000 का भी आता है। तो ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैंने निकाला है। ये वीडियो आपको YouTube पे क्या कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि स्ट्रेच कैनवस घर पे बिना किसी सॉ मशीन, बड़े बड़े सॉ मशीन या बिना किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के हम घर में कैसे बनाएं। और बहुत ईजी है दोस्तों, अगर मैं बना सकती हूँ तो आप सब भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्ट्रेच कैनवस कैसा बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने ये खुद से ये स्ट्रेच कैनवस बनाया हुआ है। इस पर मैंने पेंटिंग की है और ये बिल्कुल सेल करने के लिए तैयार है। मैंने इसे पैक भी किया हुआ है क्योंकि मुझे इसे शिप करना है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेच कैनवस बहुत ही अच्छा, बिल्कुल फाइन फिनिशिंग से बना हुआ है। बिल्कुल भी देखने से नहीं लग रहा है कि ये आपने हाथ से अपने घर पर बनाया है। मैं आपको और एक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा है, मैंने बिल्कुल बना करके तैयार रखा हुआ है। इस पर भी मैंने पेंटिंग कर दी है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है ये लकड़ी। ये लकड़ी आप देख सकते हैं, ये 1 इंच बाय 1 इंच का आपका, अगर कैनवस आपको बड़ा कैनवस बनाना है तो ये आप 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। फिलहाल मुझे छोटा बनाना है तो मैंने 1 इंच बाय 1 इंच का ये वुड लिया है। ये वुड मैं आपको बता देती हूँ, ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में या कारपेंटर वाली शॉप में या ऐसी शॉप जहाँ पे आपको प्लाई वगैरह मिलती है वहाँ पे ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ये एक्चुअली कारपेंटर्स लोगों को बहुत यूजफुल होता है। ये इसी तरह से कटा हुआ आता है। इसका प्राइस बता देती हूँ, ये अराउंड 10 to 12 rupees पर फुट आता है। तो ये 5 फुट का है, ये और भी बड़ा आता है। मुझे 5 फुट ईजी पड़ता है घर में लाने के लिए तो मैं ये लेकर के आती हूँ। तो ये 5 फुट का आता है और ये 10 rupees पर फुट होता है। तो अगर आपको 12 इंच बाय 12 इंच का कैनवस बनाना है तो उसका ये लकड़ी का प्राइस अराउंड 40 rupees पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक हेक्सोब्लेड की। ये देखिए, ये है हेक्सोब्लेड, ये 15 rupees का हार्डवेयर शॉप में मिलता है। इसका जो ये ब्लेड आता है ये सिर्फ 5 rupees का होता है। तो अगर इसको आपने एक बार ले लिया तो आप बहुत सारे वुड को इससे काट सकते हैं, बहुत आसानी से कट जाता है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेच कैनवस को बनाने के लिए आपके पास वुड होना चाहिए, ये ब्लेड होना चाहिए, स्ट्रेच कैनवस रोल होना चाहिए जो कि हम सभी आर्टिस्ट के पास घर में रहता ही है, हम खरीदते ही हैं। इसके अलावा आपके पास एक अच्छी सी धारदार कैंची होनी चाहिए इस स्ट्रेच कैनवस को काटने के लिए। और ये एक स्टेपलर गन है, ये होना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेच कैनवस नहीं बना सकेंगे। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मैंने इसे 3 साल पहले खरीदा है और ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इससे मैंने ढेरों स्ट्रेच कैनवस बना लिए हैं। ये जो स्टेपलर गन है ये सिर्फ स्ट्रेच कैनवस नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें घर में भी अगर स्टेपल करना है तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मुझे ये बहुत यूज़फुल लगता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जा करके इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं स्ट्रेच कैनवस बनाना। तो दोस्तों, जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर कि आपके पूरे स्ट्रेच कैनवस की क्वालिटी डिपेंड करती है वो है ये जो वुड है इसको प्रॉपरली मार्क करना। अगर आपने स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, उसको मार्क नहीं किए हैं, तो फिर आपका जो स्ट्रेच कैनवस है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैं एक 12 इंच बाय 18 इंच का कैनवस बना रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसको मेजर करके मार्क करते हैं। तो इसके लिए आपको 2 साइड्स 12 इंच के चाहिए और 2 साइड्स 18 इंच के चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ये मार्किंग कर ली है। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो काटने के लिए ये ब्लेड बिल्कुल जहां आपने मार्क किया है वहां पर लेकर के इसे बिल्कुल जितना सीधा एक हाथ से यहाँ प्रेशर दें और जितना सीधा आप काट सकते हैं
उतना सीधा आप काट लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक 12 इंच का लॉक काट लिया है। ये अगर आपको इसके एजेस स्मूथ नहीं लगते तो आप इसे सैंड पेपर से घिस सकते हैं। सैंड पेपर हार्डवेयर शॉप्स में इजीली अवेलेबल है। फिलहाल मेरे ये जो साइड्स हैं वो बिल्कुल ही स्मूथ आए हैं तो मुझे इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं और सारे लॉक्स काट करके भी आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर इसको हम असेंबल कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये दो 12 इंच के और दो 18 इंच के लॉक्स बहुत ही आसानी से काट लिए हैं। तो अब मैं इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको एक टेबल पे रख के और इसको इस तरह से आप रख लें। अगर कोई लॉग आपका थोड़ा सा टेढ़ा कटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप घुमा के अंदर की तरफ कर दें ताकि वो बाहर के एजेस बिल्कुल नॉर्मल आए और अंदर वाले एजेस से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ज़रूरत पड़ेगी इस स्टेपलर गन की। इस स्टेपलर गन से आपको इसके जो एजेस हैं इनको सिर्फ स्टेपल करना है। तो अब देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इवनली इसको रख लें ताकि जो एजेस हैं आउटर एज जो है आउटर एज पे सबसे खास ख्याल रखना है। आउटर एज ये देखिए ये स्टेपल हो गया। इस तरह से आप हर एज पर 3 से 4 बार स्टेपल कर लें। देखिए दोस्तों मैंने इसको एक तरफ से स्टेपल कर लिया है तो अब मैं इसको दूसरी तरफ से स्टेपल करती हूँ। आपको इसे दोनों तरफ से स्टेपल करना है ताकि ये बिल्कुल मजबूत बने और बिल्कुल हिले डुले ना। देखिए दोस्तों ये फ्रेम बनके बिल्कुल तैयार है। अब इस पे सिर्फ मुझे एक ही काम करना बाकी है, इसमें मुझे अब कैनवस को चढ़ाना है बस। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैनवस चढ़ाते कैसे है। तो दोस्तों ये है वो कैनवस रोल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा कैनवस रोल इस्तेमाल करती हूँ तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कैनवस का जो रोल है इसे आप एक स्मूथ सरफेस पे बिछाइए और ये जो फ्रेम है इसको आप इसके ऊपर रखिए। बस आपको देखना है कि ये कहाँ तक इसको पूरा कवर कर रहा है, इतना ही आपको इसके एजेस को छोड़ना है। तो मैं यूजुअली मार्क कर लेती हूँ ताकि ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना कटे, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा कटता है तो फिर उसे सीधा करना बहुत मुश्किल होती है। तो अब मैं इसको इस कैंची से काट लेती हूँ। एक टिप आपको मैं देती हूँ कि अगर आप कैंची से कैनवस काट रहे हैं, क्योंकि कैनवस जरा सा मोटा होता है, तो आप अगर कम धार वाली कैंची से काटेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। तो अगर आपको बिल्कुल स्मूथ काटना है तो एक अच्छी कैंची का इस्तेमाल करिए। तो इसे मैंने काट लिया है। अब जिस स्टेपलर गन से हमने लकड़ी को स्टेपल किया था उसी स्टेपलर गन से हमको इस स्ट्रेच कैनवस को स्टेपल करना होता है। तो दोस्तों ये स्टेपलर गन किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ इसे स्टेपल कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि नाम है स्ट्रेच कैनवस, तो आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेच करके स्टेपल करना है। तो स्ट्रेच करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है ये बीच वाला पोर्शन में सबसे पहले आप एक बार स्टेपल करें, उसके बाद इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से पूरा जोर लगा करके खींचना है। अच्छी तरीके से खींच के इसको बीच वाले पोर्शन में स्टेपल करें। सेम चीज आपको दूसरे एजेस में करना है। पहले एक तरफ से इसको स्ट्रेच करके स्टेपल करें, फिर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट वाली तरफ को अच्छी तरीके से खींच करके स्टेपल करें। खींचने वाले कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हाथों से इसको स्ट्रेच करके खींच सकते हैं। अब ये जो मैंने स्टेपल किया इसे आपको चारों कॉर्नर्स में धीरे धीरे करके करना है, स्टेपल करना है। हर बार स्टेपल करने के टाइम में कैनवस को थोड़ा सा खींचना ना भूलें। एक बार में एक साइड पूरा का पूरा ना स्टेपल करें, आपका कैनवस टेढ़ा चढ़ जाएगा।
थोड़ा 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 करके चारों साइड से स्टेपल कर। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके एजेस को आपको स्मूथ कैसे करना है। ये देखिए, ये यहां से जो भी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पकड़ा आपने, और यहां से जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पकड़ा, इसे आपने नीचे किया और साथ के साथ आपने इसे भी नीचे किया। इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके आप नीचे करें, बिल्कुल आपके जो एजेस हैं बिल्कुल भी खराब नहीं आएंगे, सुंदर आएंगे। और साथ के साथ आप नीचे वाले कपड़े को भी स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करने के साथ ही एक स्टेपलर मार दें। अब ये एक एज देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे एजेस को स्मूथ कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेच कैनवस बनके तैयार है। इसमें मैंने 50 रुपीज की लकड़ी लगाई और 30 रुपीज के आसपास का कपड़ा पड़ा है, तो ये 100 रुपीज से भी कम में मैंने ये स्ट्रेच कैनवस बना लिया है। आप 12x18 साइज का स्ट्रेच कैनवस अगर आप अमेजोन पे देखें तो वो अराउंड 400 रुपीज का आता है, तो आप देख लीजिए मैंने कितने सारे पैसे भी बचा लिए और खुद से भी बनाया है। मैं महीने में 1 से 2 दिन सिर्फ ये स्ट्रेच कैनवस बनाने के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। मैं उस दिन जिस दिन मुझे पेंटिंग करने का मन नहीं होता है तो मैं ये स्ट्रेच कैनवस बना लेती हूँ, तो मेरे पैसे भी बचते हैं और मुझे एक अपनापन सा भी फील होता है कि ये मैंने खुद से बनाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसी तरह के और वीडियोस अगर आपको देखने हैं और इसी तरह के और पैसे बचाने की टेक्निक और आर्ट की टेक्निक अगर आपको जाननी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसा कोई सा भी अपडेट आप मिस ना करें। तो जब तक मैं नया वीडियो नहीं लेकर के आती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।